दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड ट्रेडर्स में। गाइस आइसर मोटर लिमिटेड क्वार्टर वन 2021-22 का रिजल्ट आ गया है, तो चलिए सीधा रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी खबर सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए बिना देरी करे सीधा रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। गाइस जो रिजल्ट है वो करोड़ में दिया गया है, तो सबसे पहले कॉलम में हमारे को इस क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिलेगा, दूसरे कॉलम में लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट, और जो थर्ड कॉलम है उसमें हमें लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहले गाइस कंपनी का जो इस क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट हुआ है वो है 1974.3 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में हुआ था 2940.33 करोड़ और लास्ट ईयर हुआ था 818.16 करोड़। कंपनी की जो अदर इनकम जनरेट हुई है वो इस क्वार्टर में हुई है 122.02 करोड़, लास्ट क्वार्टर में हुई थी 113.94 करोड़ और लास्ट ईयर हुई थी 114.23 करोड़। अगर हम बात करते हैं कंपनी की टोटल इनकम, जो कि सम होता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम का, कंपनी के इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम हुई है वो है 2096.32 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में हुई थी 3054.27 करोड़ और लास्ट ईयर हुई थी 932.39 करोड़। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी की जो टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी गिरी है, पर अगर हम उसको लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंस की, तो कंपनी को इस क्वार्टर में 1729.4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 2434.68 करोड़ और लास्ट ईयर था 917.66 करोड़। अगर हम कंपनी के एक बार प्रॉफिट्स पर नज़र डालते हैं तो कंपनी को टैक्स पे करने से पहले जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो है इस क्वार्टर में 327.52 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 688.59 करोड़, और लास्ट ईयर कंपनी को लॉस हुआ था 50.67 करोड़ का। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स टैक्स पे करने के बाद इस क्वार्टर में है 237.13 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 526.14 करोड़, और लास्ट ईयर कंपनी को लॉस हुआ था 55.18 करोड़ का। गाइज एक बार हम कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर पे भी नज़र डाल लेते हैं। कंपनी के जो अर्निंग्स पर शेयर है वो इस क्वार्टर में है 8.67 रुपीस, लास्ट क्वार्टर में थे 19.25 रुपीस, और लास्ट ईयर कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर में 2.02 रुपीस की गिरावट हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के जो अर्निंग्स पर शेयर है वो भी प्रॉफिट्स की तरह इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर से थोड़े से गिरे हैं, पर लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है उनमें। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट ठीक आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी खबर सबसे पहले प्राप्त कर सकें।